दोस्तों, स्वागत है मिलू किचन में। आज मैं एक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो हम लोग इसको सूटी बोलते हैं, कोई सज्जन भी बोलते हैं, देख सकते हैं। इसको मैंने अपने घर के पेड़ से तोड़ा है। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे इसका पेड़ भी हुआ, कैसे तोड़े वो भी हम आप लोग को दिखाती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये है मुनगा का पेड़, बहुत बड़ा है। इसमें अभी फला हुआ है, ज़्यादा नहीं फला है, थोड़ा बहुत फला हुआ है, क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न है ना, गर्मी में बहुत फला हुआ रहता है, चारों तरफ दिखता है। अभी बहुत कम है, इसलिए एक दो को दिखाई देगा। देख लीजिए, मम्मी तोड़ रही है बड़ा लाठी से, बहुत ऊपर में था इसलिए मम्मी लाठी लाई उधर से और उसी से तोड़ रही है। मम्मी तोड़ रही है, नीचे गिरता जा रहा है, जो मैं इसको उठा रही हूँ, उठाकर फिर रखूंगी। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं, बनाते हैं, उसके बाद रेसिपी शुरू करेंगे। देखिए मेरी मम्मी बना रही है इसको। ये ठंडी के मौसम में हम लोग को मिला है, पेड़ में हो गया था, लेकिन ये सब का सीजन तो गर्मी में होता है, मई जून को, लेकिन हम लोग को अभी ये मिल गया, तो हम इसका रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देख रहे हैं मेरी मम्मी बना रही है किस तरह। इसी तरह इसको छील छील के पहले कट कर लिया जाता है। कट करके कंप्लीट हो गया, अब इसको धोएंगे पानी से। अब मसाला रेडी कर लेती हूँ। देखिए लहसुन लिया है मैंने, एक टुकड़ा अदरक लिया है और धनिया पत्ता है, इधर मिर्च भी है, और मसाले में गोलकी है, धनिया है, जीरा है, इसका पेस्ट बनाऊंगी, और दो टुकड़ी प्याज भी है, थोड़ा सा सरसों भी मिक्स कर लेंगे, इसमें ऑप्शनल है। एक कढ़ाई मैंने ले लिया है, अब इसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई देखिए गर्म भी हो चुका है, इसमें अब तेल डाल देते हैं। ये ओरिजिनल सरसों का तेल है। पांच फोड़न दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको चटकने देते हैं, उसके बाद प्याज। प्याज ब्राउन हो चुका है, डाल रहे हैं सूखी इसको मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद मसाला डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। पांच मिनट ढक के पका लेंगे। अब इसमें मसाला ऐड करूंगी, जो मैंने पीस के रखा था, देख लीजिए। इसमें आप आलू भी मिक्स कर सकते हैं, बट हम लोग ने दाल बनाया है तो सोच रहे हैं इसको सिर्फ ऐसे ही बना देते हैं। और इसमें आप टमाटर भी मिक्स कर सकते हैं, अभी टमाटर हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है इसलिए बना रहे। हल्दी पाउडर, अभी सूटी का सीजन नहीं है, फिर भी हम लोग सूटी खा रहे हैं, घर का पेड़ में हुआ था इसलिए हम लोग तोड़ लिए हैं। अभी तो मार्केट में अवेलेबल भी हो सकता है या अभी नहीं भी, और अगर मिल भी सकता है तो अभी पूरा रेट होगा इसका, क्योंकि इसका अभी सीजन नहीं है। हम लोग का घर का पेड़ में था तो तोड़ लिए, चले सोचे चलिए आप लोग के साथ शेयर भी करते हैं, बना कर दिखाते भी हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब इसको ढक के पकाएंगे 10 मिनट।
10 मिनट हो चुका है। देखिए बन के रेडी हो गया है। वाओ कितना मस्त लग रहा है, देख सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी है, देख सकते हैं। आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं, जरा बना कर देखिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए इधर मम्मी भी खा रही है, देख सकते हैं मम्मी खा रही है। बहुत मज़ा लग रहा है, बोल रही है।